जी एन प्यार परी सत श्रीकाल आदाब, मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी। और तुसी आज दिन पर देखिया कि असी फैमिली हिस्ट्री लभ रहे सी, सरदार दिलप्रीत सिंह साहनी जिहड़े कि इस वेले हाल मुकाम अमेरिका विच ने, ठीक है जी। डॉक्टर साहब दे परदादा दा नाम जिहड़ा सी सरदार बिशन सिंह, और उन्हां दे जिहड़े दादा जी सन उन्हां दा नाम सी महेंद्र सिंह, ठीक है जी। महेंद्र सिंह जी दे अगों तीन बेटे सन, हरजीत सिंह साहनी, इंद्रबीर सिंह साहनी, ठीक है जी, और सतबीर सिंह साहनी जी। ये तीन सन बेटे उन्हां दे, और सतबीर सिंह साहनी जी दे अगों बेटे जिहड़े ने जयदीप सिंह, ठीक है जी, जयदीप सिंह साहनी और डॉक्टर दिलप्रीत सिंह साहनी जी सन। अगों तो साढ़े जिहड़े दोस्त ने वह डॉक्टर दिलप्रीत सिंह साहनी ने। असी साहनी फैमिली खोकरन फैमिली की हिस्टरी लभण वास्ते नॉर्थ वैसट पंजाब दे विच तलागंग रोड के उत्ते बलकसर शहर के अंदर, ठीक है जी, पुराना जिहड़ा ओल्ड मोहल्ला सी, पुराना मोहल्ला सी, असी उहदे विच पहुंचे हाँ। साढ़े नाल इत्थे बजुर्ग बैठे हुए ने जिहड़े कि पुश्ताणी नसल दर नसल ऐसे ही मोहल्ले दे विच रहे ने, इस मेन बाज़ार दे विच जिन्हों के बाज़ार कहा जाता है, बलकसर का मेन बाज़ार कहा जाता, और 16 पिंडां दा गढ़ कहा जाता सी कि जिथों लोग खोतियां दे उत्ते समान लैके जाते सन इत्थों अपने घरां दे विच। लेकिन अज बाज़ार जिहड़ा है समझ लो तुसीं कि चला गया बाहर मेन अड्डे उत्ते, और इत्थे हू दा आलम है, बाज़ार लगता ही नहीं कि बाज़ार है, एक मोहल्ला लग रहा है, यह एक गली लग रही है। जबकि तुसीं बाहर मेन रोड तो आओ कम अज़ कम 1 किलोमीटर लंबी पूरी बाज़ार की पट्टी है जिहड़ा कि बिल्कुल खामोश है। तो असी गल करने हाँ, उन्होंने का नाम भी जानने हाँ, और कारोबार यही है जो कर रहे ने, यही इन्हों का पछताणी काम है, ठीक है जी। और उन वो दस रहे ने कि 47 वेले जो गदर पिया तो तमाम खत्री हिंदू सिख जड़े सन अपने घर दिया चाबियां जड़िया ने इन दे दादा जी नू दे के गए सन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम असलाम। मेरे दादा का नाम ममन खाकी आया, असी काम मोचियां करते उस तो इसे महल्ले दे विच रहिंदे ते मेरे बाप का नाम नूर ममन आया, चाचे का नाम चराख आया, तो एक सिर्फ मुसलमानों का घर इस महल्ले दे विच आया, तो बाकी सारे मकसद है गैर मुसलम रहिंदे आ, तो असी इस महल्ले दे विच आ उस तो जितनी चाबियां आईयां ने इस महल्ले दियां पूरे दियां वो मेरे दादा नूं दे के गए आए। असी 4 दिन साढ़े दादा और साढ़े वालद और इन उत्थ राखी करदे, 4 दिन तो बाद जिस वेले लोग चोरी करन लगे, सामने डाके मारन लगे, उन्हें फिर छोड़ दिता कि जिस वेले इन्हें डाके मारने तो सानू मारना ने, तो इधो चकवाल तो जेड़े गैर मुसलम आए वो गड्डी तो बह गए चले गए, तो इस वास्ते इन्हें सही कर के दा कि हुण वापस नहीं आन लगे। पहले तो ही 4 दिन इन्होंने पता लगा कि की पता वापस आ जा, लेकिन 4 दिन तो बाद वो वापस नहीं आए, तो फिर चाबी की लैनिया ने उन्हें लोगों बाल त्रोड़ करके सब कुछ ले गए। समान सारा घर आया ना, हर किस्म का समान आया, मकसद है थोड़ा थोड़ा समान लैके इतना जेड़ा जेवर या ये जी चीजा ही लेके गए थे, और तो कोई खड़न का मकाम ही कोई ना कि उस वेले ऐसा आया, तो मंजिया बिस्तरे पेटियां ये सब लैके लोग लुट के 4 दिन तो बाद, पहले 4 दिन लोगों कोई नहीं हलाए कि हो सकता वापस आ जा, लेकिन 4 दिन तो बाद वापस जिसल चकवाल तो रेलगड्डी तो बह गए उस वेले इन लोगों चोरी करना शुरू कर दी। अच्छा, ये दस्ते ने कितना प्यार आपस में? बहुत प्यार है, साढ़े नाल तो बहुत प्यार है, जितने साढ़े घर नाल प्यार आया ना कि कोई आखण की गल नहीं। साढ़े दादा हुरी सुनांदे ने एक दफा चम ला के ना ले आए तो पुलिस इत्थे हुंदी है उसनू किसी रिपोर्ट कर देती,
साढ़े नाल घर एक आया तो उन्हें इंज किया कि खारी होंगी खारी पता नहीं समझे उस दे थल्ले पैवाया तो उत्तो गगरे जे रख के ना बह गया जी कोई पुलिस चेक न करे इस उत्ते उस उत्ते बह गया इतना ही यानी कि प्यार आया कोई आखने की गल आपस खास करके साढ़े घर नाल तो उन्होंने बहुत प्यार आया असानू वड्डे दसते हैं मैं तो मैं बाद की पैदाइश हाँ लेकिन वड्डे मैनू ये गल दसते है कि आपस में गल करते रहते हैं ना जिन्होंने चाबियां दे के गए सी उन्हां दा की नाम सी मोहम्मद खाकी मोहम्मद खाकी अमानत दे गए अमानत चाबियां कि तुसी राखी करो साढ़े घर की समझ आई नहीं हो सकता अस वापस आ जाए तीन भाई ने जी सरदार महिंदर सिंह दे बच्चे जी हरजीत इंद्रवीर ते सतवीर जी केड़े घर सन उन्होंने इन्हां दे घर इत्थां आए लेकिन हुण घर वो पट के लै गए मकसद है जिस वेले वह माजर आए पहलो इत्थे टिके रहे फिर उन्हें मुरबियां से जा लै लिया उद उधर गए तो उन्हें मकान पट के सारे वेच गए समझ आई नहीं जेडे चंद उधर नहीं ने गुजारा हो रह गए बंदे बाकी सारे उधर चले गए कम से कम भी त्रीह घर जड़े इतो हिजरत कर गए समझ आई नहीं ना उस पूरा महला ओ थलो ताई दसेंदे ने 120 घर आया 120 घर आया दस दिन बजुर्ग सानू आपे तो समझ मैं तो बाद की पैदाइश हाँ पांच साल बाद पैदाइश हुई है लेकिन बजुर्ग दसेंदे कि 120 घर आया सिर्फ एक मुसलमान मैडा एक मुसलमान घर आया घर हो सारे गैर मुसलम आए कोई सिख हो कोई हिंदू कोई ब्राह्मण के सारे वो नस्ल आए जमीन बहुआई हैं चौधरी दी सारियां ले साढ़े घर एक इतना सारा पैंप आया उद्देश सारी वो लिखी भी आई उन्होंने जेड़े कर्जा देंदे ने किसी 14 रुपए दते हुए किसी 15 उस मेरा दादा जेड़ा ना वो जिम्मेवार होंदा आ मकसद है कि गवाही दे हुण तुसां कर्जा लिया ना तो वो जिम्मेवारी आदे है कि ई जिम्मेवारी चाहे तो असी देने मतलब बड़े बड़े चौधरियां भी वो वजमियां लिखा गिंदे आए वो समझ आई ने इन्होंने को जिमियां लिखा गिंदे आए वो इन्ना सरकार मेरी उत्थे चलाए वे कम है कोई नफरत आपस कोई लड़ाई नहीं नहीं साढ़े नफर सा आई कोई नहीं बजुर्ग दस जितना साढ़े ना प्यार आने इतना किसी बंदे ना मकसद साढ़े घर ना मतलब कि कोई आप नाराजगी नहीं नहीं कोई नाराजगी एक बंदे ना भी नहीं जो ए बजुर्ग दसते अस तो बजुर्गों के दसे तक गल करते हैं ना जा जा मैं पोतरा मैं अच्छा 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 वो आवे तो अस मिल गए सो सी पुछ लिया फौजी मोहम्मद नजीर समझ आई ने ना तो मुलाकात हो गए अल्लाह के हुक्म जितों तीन सन पता असली मैनी वड्डिया मशीर भी फौत हो गई नहीं तो उन्होंने हर बंदे का पता आ हूँ छोटी है उस दू चौं ना पता दो चार उस वे आई वो अठ अंक साल लेकिन वो थोड़ी आजत आई ना इतनी तो वो एक दो बच्चिया के ना जान दी आई सहेलिया के दसे मैं सच्ची गल याद नहीं हूँ दसे तू अपन सहेलिया के ना जी फलानी मैं सहेली आई फलानी लेकिन मैं याद नहीं हाँ इतने गल नहीं तो समझ आई ने ना तो बाकी असी तो उस जी ने जी सारी गल दसी है लेकिन वड्डे दस रहे ने मैं याद नहीं रहा मेरा दिमाग हूँ थोड़ा जा कम नहीं करता बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी ये अपना की नाम दसा अपना नज़ीर साहब ने दसिया सानू कि भई किन्ना प्यार सी किन्नी मुहब्बत सी साडे घर दे विच सारे घर दियां कुंजियां सन चाबियां सारियां दियां साडे घरे दे विच सन और इन्ना प्यार सी कि कह लवो तुसी कि जदों भी कोई गल हुंदी सी गवाही जिहड़ी सी इन्हां दे दादा जी दे कोलों ही लई जांदी सी तो सो
ਲਓ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੀਨਾਮੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਤਵਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ, 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲ ਮੁਕਾਮ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਹੇਅਰ ਇਨ ਬਲਕਸਰ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਵੀ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਅ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਬਲਕਸਰ ਐਂਡ ਹੋਪ ਯੂ ਫਾਊਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਯੂਰ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਕਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 120 ਘਰ ਖੁਖਰੈਣਾ ਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਕਲੇਨਸ ਦਾ, ਸਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਚੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਚੰਡੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੇਠੀਆਂ ਦਾ, ਛਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ 120 ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੋਚੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 47 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 47 ਤੱਕ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲਕਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਭੁਰੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਭੁਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੋਂਟੈਕਟ ਔਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਵੈਬ ਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੈਸਟਰਲ ਲੈਂਡ ਦਿਖਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਟਰਨਲ ਲੈਂਡ ਔਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।